हम लोग का पैसा लेके करोड़ों रुपया लेके के राम सहाय कुमार भाग गया है जमीन का फॉरवर्डी के चक्कर में। हम लोग को बोला कि जमीन हम आपको दिलाएंगे, और जमीन दिलाने के चक्कर में पैसा पहले ले लिया कि हमको पैसा दे दीजिए और लेके चला गया। आप जब लिखाने के लिए बोल रहे हैं तो आजकल बात टरका रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के जहानाबाद से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। एक प्रॉपर्टी डीलर ने दर्जनों लोगों को जमीन देने के बाबत में करोड़ों रुपए का ठगी किया। तो दरअसल ये पूरा मामला जो है वो जहानाबाद से निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ आपको बताएं करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज करवाया, यानी दर्जनों लोगों के साथ ये ठगी हुआ है। महिला क्या कुछ कह रही है FIR दर्ज कराने के बाद, हम पहले उनकी बातों को आपको सुनवाते हैं। हम लोग का पैसा लेके करोड़ों रुपया लेके के राम सहाय कुमार भाग गया है जमीन का फॉरवर्डी के चक्कर में। हम लोग को बोला कि जमीन हम आपको दिलाएंगे, और जमीन दिलाने के चक्कर में पैसा पहले ले लिया कि हमको पैसा दे दीजिए और लेके चला गया। आप जब लिखाने के लिए बोल रहे हैं तो आजकल बात टरका रहा है। तो कितना पैसा दिए थे? हम 15 लाख रुपया दिए थे उनको। अच्छा, 15 लाख रुपया दिए हैं। आजकल लिखाने के लिए बोल रहे तो लिख ही नहीं रहे हैं, और घर में बुलाते थे तो बोलता था कि तू हमारा मारा पीटा, बस अभी पैसा ना हवा फलाना हवा, लेकिन तू हमारे बड़ भाई होकर के ऐसे बोला है पैसा लेवे के घड़ी। तो पैसे कितने लोग से पैसा लिया है? नहीं तो नहीं, 20 लोगों का पैसा लिया, 20-25 लोगों का पैसा लेकर के भागे हैं। भागे हैं सर? हाँ, और सब अपना मकान भी बेच दिए हैं, जितना प्रॉपर्टी था वो अपना सारा प्रॉपर्टी लेके बेच दिए हैं। तकरीबन कितना रुपया लेके भागे? तकरीब 3 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ लेके भागे हैं। अच्छा, जी कौन है, कहाँ के रहने वाले? अरे जहानाबाद के राजा बाजार दौलतपुर के रहने वाले हैं, दक्षिणी दौलतपुर में रहने वाले हैं। अभी कहाँ हैं आप लोग? अभी हम लोग तो यहाँ आदर्श थाना में है, आदर्श थाना में कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन का कोई कार्रवाई ही नहीं हो रहा है, हम लोग का केस आगे बढ़ ही नहीं रहा। आगे मामला यही हुआ है कि हम उसको 13 लाख रुपया दिए थे, बोला कि हम जमीन लिखने के लिए दिए, तो बोला कि आजकल में लिख दे, आज 5 तारीख को डेट दिया था कि आज आपको रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन करवाया ही नहीं। उसको 29 तारीख को दरवाज़ा पर गए तो था, और फैमिली सबको हमको चला दिया कि जाइए आपको हम डेरा पर आते हैं, हमको चला दिया वहाँ से, हम चल आए। और थाना में जाने को वहाँ से सब घर द्वार सब बेच खोज के भाग गया, तो हम आए यहाँ पर थाना में FIR दर्ज कराने। तो इन लोग तो केस ले ही नहीं रहे, तो फिर लिए तो बोले कि इकट्ठा होंगे, एक एक से केस हम लेंगे ही नहीं, इकट्ठा होंगे 10-20 तो हम केस लेंगे। फिर आज बोल रहे हैं कि सब बंद है, ये वो केस लेंगे, आगे केस बढ़ नहीं रहा। पैसा दिया तो कितना पैसा दिया, कितने लोगों से? राम सहाय कुमार को दिए थे 13 लाख रुपया दिए थे। अच्छा, तो कितने लोग से लिया है पैसा? वैसे 25-30 आदमी से लेके गया है। अच्छा, तो कितना पैसा लेके भाग गया? 4 करोड़ के ऊपर ही लेके भाग गया है। हाँ, सबके जमीन के नाम पे? हाँ, सबके जमीन ही के नाम पर लेके गया है। अच्छा, कोई के कर्ज के रूप में भी लेके गया है, कोई के जमीन को भी एग्रीमेंट करवा के लेके चल गया है, चलान जमा करवा के भी चला गया है, फॉल्स चलान दिखा दिया और चलान कटाता ही नहीं था, किसी को जमीन पर ले लिया उसको जमीन वाला को देता ही नहीं था, सारा पैसा अपना घोटाला करके इधर उधर निकलल है, और हम लोग को कुछ दिया ही नहीं। हम लोग उसको विश्वास सीधा के नाम पर रह गए, आजकल पुराना आदमी था, विश्वास करते गए। हम लोग इधर से उधर अब इल्टल चल रहे हैं। क्या नाम हो? रूबी देवी। जहानाबाद में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जमीन देने के नाम पर दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपया लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया। इसे लेकर शहर के दर्जनों लोगों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि दक्षिणी दौलतपुर के रहने वाले राम सहाय कुमार, जो जमीन खरीद बिक्री का काम करता था, उसने जमीन देने के नाम पर दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपये ले लिए। जब पैसा देने वाले लोग जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव बनाने लगे तो प्रॉपर्टी डीलर टाल मटोल करने लगा। इसके बाद रातों रात अपनी सारी संपत्ति बेचकर घर छोड़कर रफू चक्कर हो गया। खास बात यह थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब लोगों को इन सब की बातों की जानकारी हुई तो प्रॉपर्टी डीलर को की खोजबीन शुरू कर दी। इसी क्रम में बता दें कि गुरुवार को पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर अपनी सारी संपत्ति बेचकर फरार हो गया है, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं है। साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था, जिसके बाद ठगी का शिकार हुए लोग नगर थाना पहुंच गए और पुलिस को आप बीती सुनाए। पुलिस आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। तो देखिए, अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी
या कोई गहने देने के नाम पर ठगी कर लिए जाते हैं लोग, लोग जो है वो इन ठगों के गिरोह में आ जाते हैं। और ऐसा ही मामला बिल्कुल सेम जो मामला है वो बिहार के जहानाबाद से निकल कर सामने आया, जहां दर्जनों लोगों को प्रॉपर्टी देने के और ज़मीन देने के बाबत में जो है एक प्रॉपर्टी डीलर करीब करोड़ों रुपए का ठगी कर लेता है, जिसके बाद रातों रात वो अपनी ज़मीन और अपने घर बेचकर फरार हो जाता है। जब इसकी जानकारी वहाँ के लोगों को यानी जो जिन लोगों से इसने ठगी की उन लोगों को जब इस बात की जानकारी लगती है तो लोग FIR दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है, जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दी इजाज़त, धन्यवाद।